एक स्टूडेंट मास कैलकुलेटर की ऐप को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी इनपुट लेना तो नहीं सिखाया ना मैंने आपको, तो ठीक है। तो स्टूडेंट मास कैलकुलेटर ऐप कैसे बनाएंगे हम, इसके अंदर वेरिएबल का यूटिलाइजेशन करते हुए। सी आउट लेस देन यहाँ पे हम लिखा, एक मैसेज दिखा स्टूडेंट मार्क्स कैलकुलेटर, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। और यहाँ पे सी आउट लेस देन एंड लाइन कर दिया, ठीक है, और लेस देन करके एट लाइन ले लिया। इसका आउटपुट भी साथ साथ देते जाते हैं। तो यहाँ पे आईओ स्ट्रीम एश इंक्लूड की स्पेलिंग गलत है, थोड़ी सी चीज़ सेट कर लेते हैं। रन किया हमने यहाँ से प्रोग्राम को, तो लिखा आएगा ऊपर यूजिंग नेम स्पेस, स्पेस की स्पेलिंग गलत है, 5 दिन के बाद चलाएंगे तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो इस तरह से नजर आ रहा है स्टूडेंट मार्क्स कैलकुलेटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले कुछ वैल्यूज को दिखा देते हैं। तो वैल्यूज दिखाने के लिए क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया सी इंटीजर करके वेरिएबल ले लेते हैं, आई एन टी करके हमने एक वेरिएबल ले लिया सपोज टू बी विंडोज के नाम से, ठीक है। और स्टार का असाइनमेंट करके उसके अंदर वैल्यू 0 डाल दी, इंटीजर करके हमने ले लिया सपोज टू वर्ड के नाम से, असाइनमेंट करके वैल्यू 0 कर दी, एक्सेल के नाम से असाइनमेंट करके वैल्यू 0 कर दी, पावर पॉइंट के नाम से पावर पॉइंट असाइनमेंट करके 0 कर दी वैल्यू, इंटीजर्स टीसीपीपी के नाम से ले लिया हमने एक वेरिएबल और असाइनमेंट करके उसकी भी वैल्यू हमने क्या कर दी 0 कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर करके टीओटी मार्क्स के नाम से, ठीक है, जिसमें टोटल मार्क्स होंगे और उसके अंदर हमने इनकी 1, 2, 3, 4, 5, 500 मार्क्स को स्टोर कर दिया। फिर एक वेरिएबल ले लिया मार्क्स ऑप्टेंड के नाम से, ठीक है, तो यहाँ पे हमने करके मार्क्स ऑप्टेंड के नाम से एक वेरिएबल ले लिया, ऑप्टेंड ओबीटी कर देते हैं मार्क्स ओबीटी, और इसके बाद इसको 0 कर दिया, ठीक है। फिर एक वेरिएबल ले लिया हमने यहाँ पे PER के नाम से और उसमें भी वैल्यू को 0 कर दिया। ये कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए जिसकी इनिशियल वैल्यू सबकी तो 0 करिए, लेकिन सिर्फ हमने इंटीजर की जो है वो जो है हमारा टोटल मार्क्स उसकी 500 रखी है। अब इसमें थोड़ा सा हमारे पे यही समझने की जरूरत है, जैसे भाई जैसे विंडो के अंदर वैल्यू कम आएगी तो यहाँ पे शॉर्ट एंड ले लें इसको, ठीक है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट एंड कर देते हैं और मार्क्स टोटल मार्क्स भी शॉर्ट एंड में सही रहेगा क्योंकि इसमें छोटी वैल्यू आ रही है। मार्क्स ऑप्टेंड इसमें कितने आएंगे जो भी इसमें शॉर्ट एंड पे ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखें वेरिएबल का यूटिलाइजेशन बेस्ट हम कर सकते हैं। और अब जो टोटल इसमें आ जाएगा परसेंटेज में, इसको आप यहाँ पे ले लें, जो वैल्यू आनी है इसकी हम लॉन्ग इंट कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, ताकि थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी लॉन्ग लिख देंगे, ठीक है, इंट तो लिखा हुआ ऑलरेडी, ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं लॉन्ग इंट, लॉन्ग इंट लॉन्ग से भी बड़ा है तो खाली लॉन्ग ले लेते हैं, चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं लॉन्ग पी आर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसा हो गया, अभी तो रन कर देते हैं, तो ये देखिए इस तरह से हमारा मामला सेट हो गया। अब चलते हैं आउटपुट बनाते हैं प्रोग्राम का। तो पहले क्या लिखेंगे, सी आउट इंग्लिश मार्क्स, तो ये हमें स्ट्रिंग लिटल्स लिखना है हमने यहाँ पे, तो स्ट्रिंग लिटल्स हमने यहाँ पे लिख दिया इंग्लिश मार्क्स, और उसके आगे उसके जो मार्क्स शो करने हैं तो ऐसे एक लगा के इसमें मैं फॉरवर्ड स्लैश टी यूज़ कर लेता हूँ, या फिर आप कॉलन यूज़ कर लें, सेपरेटर यूज़ कर लें, फिर यहाँ पे आप आगे जाके इसके साथ लिख देंगे सपोज टू बी लेस देन और इंग्लिश, इंग्लिश तो है नहीं ना इसके अंदर, तो विंडोज़ के मार्क्स लिखेंगे विंडोज़ मार्क्स, तो यहाँ पे विंडोज़ वाले वेरिएबल को यहाँ पे आउटपुट पे ले लेंगे, सही। अभी इसके इनिशियल मार्क्स सबके 0 हैं तो 0 ही आएगा। देखो इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ये एक लिटरल है, इंटीजर लिटरल है, ये एक वेरिएबल है, और ये प्रोसेस जब हमने किया तो एक वेरिएबल वजूद में आया और ये लिटरल उसके अंदर असाइन हो गया। इसकी वैल्यू हो गई 0, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 500, तो ये लिटरल है, लिटरल इंटीजर कॉन्स्टेंट। लिटरल किसे कहते हैं, कॉन्स्टेंट को कहते हैं, ठीक है, ये लिटरल स्ट्रिंग है, कॉन्स्टेंट है लेकिन स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, और ये इंटीजर वेरिएबल है, तो ये इस तरह से हो गया। अब न्यू लाइन के लिए हमने फिर इसके आगे लेस देन और एंड लाइन कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे एंड लाइन हो गया, कहाँ कंट्रोल सी किया इस पूरी लाइन को हमने यहाँ से, और कॉपी करके यहाँ पे पास्ट एंड पास्ट पास्ट टेंस कर दिया इस तरह से, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो अब यहाँ चेंज करते जाएंगे सपोज टू बी वर्ड वर्ड मार्क्स, और यहाँ पे लेते जाएंगे हम कौन से मार्क्स, एक्सेल मार्क्स। अब ये मैं छोटी सी बना रहा हूँ, फिर आपको इसे असाइनमेंट भी दूंगा बनाने के, पावर पॉइंट मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखा सी प्लस, नहीं वो प्लस प्लस पूरा लिखेंगे ना, स्ट्रिंग्स लिख रहे हैं ना, वो तो वेरिएबल के नाम पे, हाँ वेरिएबल जैसे डिक्लेयर किया वैसे लिखेंगे यहाँ पे वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट। अब सब लिखने में दिक्कत हो रही है, डबल क्लिक कंट्रोल सी एंड डबल क्लिक कंट्रोल वी, डबल क्लिक कंट्रोल सी एंड डबल क्लिक कंट्रोल वी, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट बनाएंगे एक और, ठीक है, तो इसको यहाँ से ले लेते हैं, आजा भाई आजा, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पावर पॉइंट मार्क्स आ गया, तो यहाँ पे लेंगे हम मार्क्स ऑप्टेंट, मार्क्स ऑप्टेंट पहले ऑप्टेंट करेंगे ना, मार्क्स ऑप्टेंट करेंगे, ठीक है, फिर उसमें से हम लेंगे उसका परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे लेंगे, परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, परसेंटेज
ठीक है, परसेंटेज आ जाएगी और फिर इसके नीचे एक और दफा पेस्ट कर देंगे इसको, यहाँ पे मार्क्स ऑप्टेंट को लेके और यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हमने दिया टोटल मार्क्स, टोटल MARKS मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको डिलीट कर देंगे, सही है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे इनके वेरिएबल्स की वैल्यूज को शो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक प्रोसेस बनाएंगे। प्रोसेस क्या बनाएंगे वो देखना है हमें। देखें टोटल मार्क्स कब आएंगे, जब सारे वैल्यू को जोड़ देंगे। तो कैसे बनाएंगे इसके अंदर, पहले लेंगे कि आंसर किसके अंदर लेना है, हमें लेना है मार्क्स ऑप्टेंट में। मार्क्स ओबीटी कॉपी करेंगे यहाँ से, यहाँ लिखेंगे एक प्रोसेस के लिए और असाइनमेंट लगाएंगे और फिर एक एक करके सारे वेरिएबल को यहाँ से जोड़ते जाएंगे। कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, एंड देन कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, ठीक है, समझ में आ रही बात। कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी और देन कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल, तो सबको आपस में जोड़ देना है। तो ऑपरेटर यूज करेंगे अर्थमेटिक प्लस, तो यहाँ पे आ गया आपका प्लस, अर्थमेटिक ऑपरेटर आ गया और यहाँ पर आपने इसको ले जाके इस तरीके से ये आपने लगा दिया इसको, ठीक है, और यहाँ पे आपने इस तरीके से प्लस कर दिया इसको। आखिर में स्टेटमेंट अभी ये एक प्रोसेस बनाया है जिसमें होगा ये कि ये सारे वेरिएबल अपने मार्क्स आपस में प्लस करेंगे और ये इसको दे देंगे, ठीक है। अब परसेंटेज कैसे बनेगा, तो परसेंटेज के लिए वेरिएबल क्या लिया आपने, PER लिया है, तो PER को आप यहाँ लिखेंगे, PER असाइनमेंट सारा, ठीक है। तो मार्क्स ऑप्टेंट को आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे तो वही बोर्ड मार्क्स का रूल अप्लाई करेंगे। कैसे लिखेंगे, दो ब्रैकेट लेंगे और डिवाइडेड बाय इसको कर देंगे किससे, टोटल मार्क्स से, तो इसको इसके अंदर लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ठीक। बाद में इसको हम यहाँ पे कहेंगे डिवाइडेड बाय, अरे छोड़ दे इसकी जान, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, TOT मार्क्स वाले वेरिएबल से, यहाँ पे इसको डाल देंगे, इस पे यहाँ पे क्लिक करके सेमी कॉलन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस दो बना लिया हमने, टोटल का मार्क्स ऑप्टेंट का भी बन गया और परसेंटेज का भी बन गया, ठीक है। तो मार्क्स ऑप्टेंट वाले वेरिएबल को यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे शो कर देंगे और परसेंटेज वाले वेरिएबल को यहाँ से कॉपी करेंगे और इस जगह पे इसको शो कर देंगे और जो टोटल मार्क्स हैं वो तो फिर टोटल मार्क्स ही है, तो यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे से ले लेंगे और यहाँ से अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। तो प्रोग्राम रन हो गया और आंसर क्या आ रहा है, 0। नाउ चेंज द वैल्यूज, ठीक है, तो चेंज द वैल्यूज, तो यहाँ पे हम दे देते हैं सपोज टू बी 60, यहाँ पे हम कर देते हैं सपोज टू बी 70, यहाँ पे हम कर देते हैं सपोज टू बी 85, ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं 59 और यहाँ पर हम कर देते हैं 79, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। कंट्रोल एस माइक्रो C++ इसको ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस के थ्रू बनाएगा और हमें आगे करेगा, ठीक है। ये छोटा सा हमने आपका एक ऐप बनाया है जो हमें स्टूडेंट के गिवन मार्क्स को टोटल परसेंटेज बना के बता रहा है। परसेंटेज के आगे परसेंटेज का साइन लगाना है, तो आसान है, कैसे करेंगे, यहाँ पे 70 लिखा है, ओके, यहाँ पे लेस देन और यहाँ पे डबल कोट्स स्ट्रिंग लिटरल्स परसेंट का साइन लगाएंगे एंड देन रन कर देंगे। सही, समझ में आया किस तरह से हमने इसको किया। अब इसमें कॉन्स्टेंट कैसे डिक्लेयर करते हैं ये आपने सीखा, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है और उसके अंदर वैल्यू कैसे असाइन की जाती है। अब कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर किया जाता है, पहले मैं पूछना चाहूंगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, लेकिन कहाँ चेंज होगी, सवाल ही है, प्रोग्राम चलने के दौरान, ठीक है ना, वो अपडेट हो जाता है, कांस्टेंट नहीं होगा। तो हमारे पास इसमें से कौन सा एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हमें कांस्टेंट बना देना चाहिए, शाबाश, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिर्फ यहाँ से शॉर्ट कट आएंगे और कांस्टेंट बनाने का तरीका यहाँ लिखेंगे कांस्ट इंट। अब ये डिक्लेयर हो गया एज अ कांस्टेंट। अच्छा, अच्छी प्रैक्टिसेस में ये बात आती है कि जब हम कांस्टेंट बनाते हैं, वैसे छोटी एबीसी में भी नाम रख सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस में ही कांस्टेंट को शो ऐसे किया जाता है कैपिटल लेटर्स में। नाउ इट्स बिकम अ कांस्टेंट और इसमें हमें जरूरत ही नहीं थी इसकी, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेगा और यहाँ पे इसका आउटपुट करेंगे, सही है। चलें अब एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू प्लस होती है या नहीं होती है। देखें अगर मैं किसी वेरिएबल के आगे इस तरह से लिख दूं फॉर एग्जांपल 70 और आगे लिख दूं तो प्लस 5, ठीक है, तो क्या होगा, वर्ड की नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 75, ठीक है। इट मींस ये प्रूव हो रहा है कि वेरिएबल की वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अपडेट हो सकती है, ठीक है। इसको वर्ड यूज कर लें अपडेट, चेंज की जगह ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप आते हैं कांस्टेंट पे लिखते हैं हम यहाँ पे प्लस, इसमें भी अपडेट हो गया। अच्छा अब यहाँ पे हमने लिखा था प्लस 500, ठीक है, अब ये तो यहाँ इसके साथ हुआ। अच्छा अब हम इसको ये लिखते हैं आगे जाके कि मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे करते हैं प्लस POTL MAX मार्क्स, ठीक है,
कांस्टेंट भी लिखा हुआ है टोटल मार्क्स, और यहाँ पे आया चेंज इसमें, अपडेट नहीं हुआ। तो इस तरह हमें ये प्रूफ हुआ कि इसकी वैल्यू अपडेट नहीं हो रही। अच्छा, अभी इसमें अगर हम नीचे जाके यहाँ पर जब हमने लिखा, क्या लिखा था, सारे वेरिएबल को प्लस करके इसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया, इसकी वैल्यू यहाँ पे थी जीरो और यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो अपडेट हो गई, हो गई कितनी, जो भी इनका टोटल आ रहा था जो भी था, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम कहीं पर जाके इस तरह से कोई मैसेज टाइप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट लाइन पर, ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से, तो यहाँ हमने कॉन्स्टेंट डिक्लेयर कर रखा है, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ अगली लाइन पर जाके, क्या देखें क्या ये अपडेट हो रहा है। नीचे आए हम यहाँ पे, कॉन्स्टेंट को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसके नीचे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके असाइनमेंट प्लस, ठीक है, और अब देखते हैं एरर आ गया। क्या एरर आ गया, कह रहा है असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल टीओटी बॉक्स, यानी कि ये रीड ओनली वेरिएबल है, इसमें आप कोई भी चीज दोबारा से रीअसाइन नहीं कर सकते, ठीक है, समझ में आया। हाँ, वैसे उसकी वैल्यू में डायरेक्टली आप अपडेशन कर रहे हैं तो वो यहीं पर ही प्रोग्राम चलने से पहले ही अपडेट हो रहा है। ये अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ सपोज टू बी 100, तो ये प्रोग्राम चलने से पहले अपडेट हो रहा है, प्रोग्राम चलने के बाद नहीं हो रहा। लेकिन रीअसाइनमेंट जब मैं कर रहा हूँ नीचे जाके, रीअसाइनमेंट से कहते हैं दोबारा से उसके अंदर उसकी वैल्यू को प्लस कर रहा हूँ, तो वो मसला नहीं हो पा रहा उसके साथ, ठीक है ना। तो लेकिन अगर यही यही स्टेटमेंट, अभी हम इसको प्रूफ करते हैं, इसको मैं कमेंट्स कर देता हूँ, तो कमेंट्स करने का तरीका मैंने आपको बताया स्लैश स्लैश, और अब यही स्टेटमेंट हम ऐसे लिख रहे हैं कि यहाँ पे हमने लिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेंड ना, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, टोटल मार्क्स लिया हुआ है। तो ये मार्क्स ऑब्टेंड को ऐसे ही, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाके मैं इसमें लिखता हूँ मार्क्स ऑब्टेंड प्लस मार्क्स ऑब्टेंड, रन हो गया प्रोग्राम और आपका कोड चला गया 706 के, ठीक है। तो ये याद रखें, वेरिएबल जो है वो अपडेट हो सकते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब रीअसाइन भी हो सकते हैं। देखें यहाँ पर ये डिक्लेयर हुए, असाइन भी हो गए, और नीचे जाके हमने इसको दोबारा से रीअसाइन भी किया, यहाँ पे रीअसाइन भी किया यहाँ पे, तो रीअसाइन भी हो सकते हैं और अपडेट भी हो सकते हैं। कॉन्स्टेंट जो है फर्स्ट वंस जब वो डिक्लेयर हो गए, तो दोबारा से उनको रीअसाइन नीचे से हम नहीं कर सकते। रीअसाइन का मतलब कि दोबारा उसके अंदर कोई वैल्यूज के अपडेट करना, उसको कुछ करना, इस तरह की चीज नहीं हो सकती, और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में भी वो काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये बात जहन में रखनी है आपने अपने कि कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर होता है, नेम्ड कांस्टेंट कहलाते हैं ये। ये क्या कहलाएगा, नेम्ड कांस्टेंट, और ये क्या कहलाएंगे, वेरिएबल। कांस्टेंट ये भी है, कांस्टेंट ये भी है, पर इनके नाम नहीं है, ये डायरेक्ट लिखे हुए। जब हम उसको किसी नाम के अंदर स्टोर करते हैं तो उसके पहले हम क्या कीवर्ड यूज करेंगे, कॉन्स्ट, ठीक है ना। इसके लिए आसान ये भी कह सकते हैं ये रीड ओनली वेरिएबल है और ये अपडेटेबल वेरिएबल है, ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर नेम है नेम्ड कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम है टोटल मार्क्स और उसके अंदर वैल्यू रखी गई है 500। इस वेरिएबल का नाम है वर्ड और ये इंटीजर टाइप का है और इसकी टाइप शॉर्ट है और इसके अंदर वैल्यू स्टोर की गई है 30। ये अपडेट हो जाएंगे, ये अपडेट नहीं होगा और ना ही दोबारा रीअसाइन होगा। जब हमें आगे प्रोग्राम में किसी चीज को रीअसाइन नहीं करना होता तो हम उसको कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर कर देते हैं। ये कमांड याद रखनी है आपने, ठीक है।